हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीथिंग यू वांट। मैं हूँ श्वेता और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग घर में बची हुई चीज़ों से फाउंटेन बनाना सीखेंगे। हम दो तरह से फाउंटेन बनाएंगे, एक होगा डेंस जंगल लुक और एक होगा बहुत ही सिंपल लुक। तो जो आपको पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें जगह सेलेक्ट करनी है फाउंटेन बनाने के लिए। ये मैंने अपनी बालकनी का कॉर्नर लिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जगह। यहाँ पे मैंने पौधे थोड़े साइड कर दिए हैं और वहाँ पे हल्का सा साफ कर दिया है। आप अपने हिसाब से कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं जगह को। अब हम ये पाम रखा है उसके नीचे एक स्टूल लगा देते हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप चार पांच ईंटें एक के ऊपर एक रख के कर सकते हैं। इसको थोड़ा हमें ऊंचा रखना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब हम स्टूल के नीचे एक कॉन रख देते हैं, छोटा सा। आप कोई भी कॉन रख सकते हैं, आपके पास बड़ा है छोटा है, जो मर्जी हो आपके पास रख दीजिए। इस पॉन्ड के पीछे मैंने एक जेड प्लांट लगा दिया है, आप कोई भी पौधा लगा दीजिए। थोड़ा हमें घना लुक देना है इसलिए मैंने यहाँ पे आसपास लगाया है। पॉन्ड में पानी भर देती हूँ, पूरा पानी अच्छे से पूरा भर दीजिएगा। अब इस पॉन्ड के आसपास आप जो मर्जी आए वो पौधे लगा सकते हैं, जितने भी आपके पास गमले हैं, जितना डेंस लुक आप दे सकते हैं उसको, क्योंकि हमें इसमें फोकस करना है अपने पानी पे। तो ये पॉन्ड अगर हमें दिखाई ना भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें पानी खींचने के लिए इसकी ज़रूरत है अभी, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। ये देखिए काफ़ी डेंस लुक दिख रहा है मुझे। ऐसे आप आस पास उसके जितने भी पौधे, बड़े गमले छोटे गमले लगा दीजिए, कुछ फ्लावर्स वाले कुछ बिना फ्लावर्स वाले, तो उससे काफ़ी घना लुक आता है। अब क्या करते हैं, ये एक मटका ले लिया है मैंने, पूजा में यूज़ होने वाला पुराना मटका था, उसमें मैंने होल कर लिया है। इसको अभी मैं साइड में रख देती हूँ। और अभी इसके आसपास भी हम पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको सपोर्ट भी देना है और डेंस लुक भी देना है। ये पुरानी मोटर है जो कूलर में यूज़ होती है, ये ले लिया है मैंने। इसमें एक पाइप लगी हुई है। मोटर को पॉन्ड के अंदर रख देते हैं पानी में डुबा के अच्छी तरीके से। और जो इसका पाइप का दूसरा भाग है इसको हम मटके के होल के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से डाल दिया मैंने और मटके को गमले का सपोर्ट दे देते हैं ताकि जब पानी का फोर्स आए तो वो गिरे नहीं। और मटके का मुंह पॉन्ड की तरफ है। मोटर को अच्छी तरह से पानी में डुबा दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं ये मैंने पॉन्ड में थोड़े आर्टिफिशियल फ्लावर्स और एक बुद्धा रख दिया है। और ये जो मटका है, हमारे मटके के आसपास जो छोटे गमले रखे हैं मैंने, उससे उसको सपोर्ट दे दिया है ताकि जब पानी फोर्स से आए तो वो मटका गिरे नहीं। ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर की लड़ी थी मेरे पास, वो भी मैंने उस मटके के ऊपर डाल दिया है ताकि और डेंस लुक आएगा और अच्छा सुंदर भी लगेगा फ्लावर से। इस तरह से मैंने लगा दिया। अब ये जो मोटर का स्विच था उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हैंगिंग प्लांट आपके पास कोई हो तो वो भी ऊपर लगा दीजिए, वो भी काफी अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है उससे। इस तरह से देखिए पूरा लुक आ रहा है आपका। इसमें हमें पॉन्ड हमारा नहीं दिख रहा है, हमें इस पे फोकस करना है, हमारे मटके पे और उसके पानी पे। ये जंगल लुक टाइप का रहेगा हमारा। देखिए फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, डेंस लुक आ रहा है बिल्कुल, पॉन्ड नहीं नजर आ रहा है इसमें हमें, लेकिन पानी क्योंकि गिरना है हमें और लेना है वहां से इसलिए जरूरी है। बस मोटर को ऑन किया मैंने स्विच को और ये मटके के थ्रू पानी पॉन्ड के अंदर गिरना शुरू हो गया। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अभी पानी स्लो आ रहा है, मे बी इसमें पॉन्ड में पानी कम होगा। पॉन्ड में हमेशा पानी भर के रखिएगा, नहीं तो पानी ऊपर से स्लो आएगा। पानी थोड़ा और डाल देते हैं पॉन्ड में ताकि फिलअप हो जाए अच्छी तरीके से। अब देखिए कितना अच्छा फ्लो आ रहा है क्योंकि मैंने पॉन्ड पूरा भर दिया है। अच्छा सा फ्लो आ गया।
तो चलिए अब थोड़ा सिंपल लुक भी ट्राई कर लेते हैं। सेम हमारा जो मटका है वो है, ये पॉन्ड के नीचे मैंने एक गमला लगा दिया है अब, क्योंकि हमें अब पॉन्ड को भी दिखाना है, तो पॉन्ड को ऊपर होना चाहिए। खाली गमले के ऊपर मैंने उस पॉन्ड को रख दिया है, तो वो अब गमला हमारा पॉन्ड नजर आएगा। इस मटके के आसपास एक छोटे छोटे जो पॉट में मैंने सेक्यूलेंट्स लगा रखे थे वो लगा दिए हैं, क्यूट सा लुक के लिए। बहुत डेंस नहीं है वो। ये देखिए, ये फ्लावर्स के जो छोटे छोटे पौधे हैं, ग्रास मोस जो ग्रास रोज होती है उसको लगा दिया, और थोड़े कम डेंस वाले पौधे अब हम आसपास इसके लगा देंगे, ताकि हमारा पॉन्ड भी अब नजर आए। इस तरह से आपके पास जो पौधे हों थोड़े कम घने, जिससे पॉन्ड हमारा नजर आना चाहिए, उस तरह का लगा देते हैं। बस ये अब हमारा मटका भी पूरा नजर आएगा, बुद्धा भी नजर आएगा, और पॉन्ड भी नजर आएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिए पौधों को, जो भी आपको अच्छे लगते हो उसके आसपास आप वो लगा सकते हैं। ये रेलिंग पे मैंने थोड़े पौधे लगा रखे थे पीछे से, वरना बहुत खाली खाली लगता। देखिए, बस मोटर ऑन किया और फाउंटेन हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने दो लुक आपको दिखाया। मैंने दोनों ही लुक को थोड़े थोड़े दिनों के लिए अपने गार्डन में ऑन रखा था। मुझे दोनों ही पसंद आए। आपको कौन सा लुक पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी ट्राई करूँगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो मैंने दो लुक बताए आपको, एक डेंस जंगल लुक और एक ये सिंपल सा लुक, जिसमें हमारा पूरा फाउंटेन नज़र आ रहा है। पहले लुक में सिर्फ पानी नज़र आ रहा था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।